हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग का अभी पेट भरने के लिए, पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए एक पैसा तक नहीं है। कैसे हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे, आगे फ्यूचर क्या है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा। सरकार का रवैया है कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ वो मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो देश के लिए HEC जो एक संस्थान है इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप उसको अनदेखी कर रहे हैं। कुछ लोग PF लोन ले रहे हैं, कुछ लोग अपना जो है पर्सनल लोन ले रहे हैं, कुछ अपने मित्रों से सहायता ले रहे हैं। मतलब मिला जुला के ये है कि स्थिति बहुत ही खराब है। घर परिवार कैसे चल रहा होगा ये सोच कर ही आप 20 महीने सोच कर एक अनुमान लगाइए कि कैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे का स्कूल हो, आप परिवार का भरण पोषण का कार्य हो, ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल है अभी। नमस्कार, मैं हूँ कर्मवीर और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक कहावत से। कहावत है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। लेकिन भूखे पेट अब भजन भी होने लगा और यह साबित किया है HEC की पूरी टीम ने। HEC की पूरी टीम ने पहले चंद्रयान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अब उसके बाद आज जो आदित्य L1 का लॉन्चिंग हुआ उसमें भी HEC का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लगभग 20 महीने से यहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, बावजूद इसके इन्होंने अपनी ड्यूटी कहें या फिर कर्तव्य को कहें बखूबी निर्वहन किया है और अपना समय पर बेस्ट देने का एक प्रयास किया है। देखते हैं पूरा रिपोर्ट। कर्मचारी हैं, अधिकारी सबका जैसे कि वेतन काफ़ी दिनों से लंबित है, काफ़ी महीनों से, तो इसमें यही है कि कुछ लोग PF लोन ले रहे हैं, कुछ लोग अपना जो है पर्सनल लोन ले रहे हैं, कुछ अपने मित्रों से सहायता ले रहे हैं। मतलब मिला जुला के ये है कि स्थिति बहुत ही ख़राब है और मैं इसके लिए सरकार से और सभी जो भी इससे जुड़े हुए संस्था है और उनसे मैं निवेदन करूँगा कि HEC की ओर कृपया ध्यान दें ताकि HEC का कुछ उत्थान हो। और कई लोग ऐसे भी हैं जो PF का लोन उठा चुके हैं। जी जी, अब तो उनको लोन भी नहीं मिल, लोन भी नहीं मिल रहा है, तो वो किसी और से, मतलब जैसे कि अपने रिश्तेदार से कुछ ले रहे हैं, मतलब रिश्तेदार से ले रहे हैं या कहीं से वो कर्ज ले रहे हैं, यही मिला जुला कर सबकी स्थिति है। तो स्थिति बहुत ही ख़राब है, ये तो सबको आपको लोगों को पता ही है। तो मेरे सरकार से और हमारे मैनेजमेंट और जो भी हैं इससे जुड़े हुए मंत्रालय उनसे सबसे यही विनती है कि HEC पर ध्यान दें और HEC चूँकि एक इनका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। बहुत ही खुशी की बात है जो हमारे साइंटिस्ट दिन के दिन इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आदित्य L1 का लंच किया, हमको बहुत खुशी हो रहा, पर हम लोग भी इसमें मतलब क्या बोले हैं, इसके बावजूद भी हम लोग के मुंह में मतलब फेस पे खुशी नहीं महसूस हो रहा है, इस वजह से कि हम लोग का अभी मतलब कैसे चलेगा मेरा परिवार। 19 महीना होने जा रहा है जो पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। हर तरह से HEC कोशिश किया कि भाई चाहे ISRO हो चाहे रेलवे है, हर संस्था को हर चीज़ बना के दिया, बहुत सारी चीज़ बना के दिया। इसके बावजूद भी HEC में हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग का अभी पेट भरने के लिए, पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए एक पैसा तक नहीं है। कैसे हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे, आगे फ्यूचर क्या है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा। लोन का पैसा ख़त्म हो चुका है, अभी स्कूल में फी बाकी है हमारे, हमको समझ में नहीं आ रहा हम कैसे चलाएं। हम लोग की जो करंट स्थिति है वो 20 माह से अभी हमारा सैलरी नहीं मिल पाया है। हम लोग लगातार प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति महोदय को और सभी तरफ हम लोग पत्राचार के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बताए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहलू उनके तरफ से नहीं आया है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, अभी भी हम पुनः सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी परिस्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए ताकि हम देश के विकास में और ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सुख दुख तो लगा हुआ है, लेकिन पहली चीज़ ये कि आपको इतना हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, देश सेवा, आप सोचिए कि देश सेवा ही है कि जो इतने महत्वपूर्ण उपकरण ISRO के लिए हो चाहे डिफेंस के लिए दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आज हमारा 20 महीने से ऊपर सैलरी बकाया हो चुका है। हम लोगों को पिछले 20 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अब आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो 3000 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, घर परिवार कैसे चल रहा होगा, ये सोच कर ही आप 20 महीने सोच कर एक अनुमान लगाइए कि कैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे का स्कूल हो, आप परिवार का भरण पोषण का कार्य हो, ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल है अभी। और सरकार से
हर माध्यम से हम लोग आग्रह कर चुके हैं कि आप कृपया करके HEC यहाँ पे कार्यरत लोगों पर ध्यान दीजिए। अब घर परिवार नहीं चल रहा है, पिछले 1-1.5 सालों से ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से, हर माध्यम से किया गया है, उनको पत्राचार भी दिया गया, पोस्ट कार्ड भी दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रपति महोदया हो चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हो, सबको हम लोगों ने हर तरीके से उनको अपनी स्थिति परिस्थिति बताई है, लेकिन फिर भी अब ना जाने क्या सरकार का रवैया है कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ वो मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो देश के लिए HEC जो एक संस्थान है इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप उसको अनदेखी कर रहे हैं। आप अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जो पहली बार देश में डेवलप किया, HEC ने डेवलप किया डिफेंस के लिए सन 2000 में, लॉन्च पैड HEC ने पहली बार देश में बनाया, अभी जो व्हील बोगी सिस्टम है इसरो को दिया गया है वो भी पहली बार HEC ने देश में बनाया, तो इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रही है, तो ये तो स्थिति अब समझ से परे है। देश ने चंद्रयान के बाद सूर्ययान की ओर कदम बढ़ा दिया है और आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई है, लेकिन आदित्य L1 के लिए और इसरो के लिए कई महत्वपूर्ण उपकरण बनाने वाली कंपनी HEC यानी भारी अभियंत्रण निगम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थिति कहीं ना कहीं अर्श से फर्श की ओर जा रही है। कर्मचारियों और अधिकारियों को या पूरे कहें HEC टीम को पेमेंट नहीं मिल रहा है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, नौबत यह हो गई है कि यहाँ के कर्मचारी अब ड्यूटी करने के बाद बचे हुए समय में ई रिक्शा चलाने को मजबूर हैं, हाट बाज़ार में सब्जी बेचने को मजबूर हैं। तो खबरों के लिए बने रहिए नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।